नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज दिन भर के राशियों के हाल की और ये समझेंगे किस राशि वाले के व्यक्ति के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। दिन की खास बातें क्या हैं, आज का अचूक राम बाण उपाय भी बताएंगे और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की सलाह भी बेहद खास होगी, बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए करते हैं आपके तारे की शुरुआत और सबसे पहले आज की सलाह। आज तुलसीदास जी की जयंती है। तुलसीदास जी ने एक कालजयी ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है रामचरितमानस। तो आज रामचरितमानस का पाठ हम जरूर करेंगे, एक दोहा पढ़ेंगे, दो दोहा पढ़ेंगे, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे और एक पुस्तक रामचरितमानस की खरीद लाइएगा और इसका दान किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थान पर जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी आज और आपके जीवन में जो तमाम गलतियां हमसे हो गई हैं या जो तमाम पाप हो गए हैं वो पाप नष्ट होंगे, उनका प्रायश्चित होगा। तो तुलसीदास जी की जयंती के दिन रामचरितमानस का पाठ आपके पापों को काट देगा। लेकिन मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, क्या क्या खास बातें हैं आज की, चलिए जानते हैं और फिर बात करेंगे रामबाण उपाय की। मेष राशि, कोई स्थायी संपत्ति आप खरीद सकते हैं, किसी स्थायी संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी अतिथि का आगमन होगा, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा होगी, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर होंगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। सलाह क्या है, देखिए हर तरह की जल्दबाजी से आज बचना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और बच्चों के करियर को लेकर चिंता भी मत करिए क्योंकि चीजें तकरीबन ठीक हो चुकी हैं, इसलिए अब परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। और आज हल्की सुगंध लगाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा, सही समय पर सही तरीके से निर्णय भी ले पाएंगे। वृष सेहत के मामलों में सावधानी रखें, खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें और आज धन के इन्वेस्टमेंट से आपको बचाव करना है, धन का निवेश आज सोच समझ कर करें, ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। अपनी बातों को शेयर करना सीखिए, हर बात मन में रखेंगे तो परेशानियां परेशान करेंगी। सलाह क्या है, देखिए आप परेशान हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भी परेशान करेंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अपने मित्र के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें, अपने मित्र के साथ गलत व्यवहार करेंगे नुकसान उठाना पड़ेगा। और आज किसी धार्मिक स्थान पर जाएं जिसमें भी आपकी मान्यता हो, वहां पर जाएं, कुछ समय बैठें ताकि मन शांत हो, मन की जो चिंताएं हैं, मन की जो दुविधाएं हैं वो दूर कर पाए। मिथुन राशि, भाई का सहयोग आपको मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, देर शाम कहीं घूमने की योजना बनाएंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे। सलाह क्या है, देखिए जो भी महत्वपूर्ण काम है उनको आज निपटा लेने में ही बुद्धिमानी है। आज धन संबंधी कोई पेपर साइन मत कर बैठिएगा पर ना फंस ना जाए। और आज हरी सौंफ खाकर घर से निकलेंगे तो आज आपके निर्णय ठीक होंगे, दिन आपका बेहतर बना रहेगा। कर्क राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं, शादी तय हो सकती है। आपको आर्थिक मुश्किल परेशान कर सकती है इसलिए उस विषय में आपको ध्यान आज देना होगा। सेहत में भी थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, वहां भी लापरवाही ना करें। आज की सलाह क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें आपके वहम और तनाव से जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप अपने वहम को दूर करें, बेवजह तनाव ना पालें तो मुश्किलें वैसे भी कम हो जाएंगी। और अपने परिजनों की, जो आपके परिवार के लोग हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं उसको मानिए और कुछ मीठा खा के घर से निकलिए ताकि दिन भर आपकी किस्मत मजबूत बने रहे। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन का दौर चल रहा है, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपको प्राप्त होगा। आपको वैवाहिक तालमेल पर बहुत ध्यान देना है, अपने वैवाहिक जीवन के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। सलाह क्या है, देखिए एक तो जीवन साथी के साथ जब बात कर रहे हैं, पति या पत्नी के साथ, जरा तमीज तहजीब से संयम से बात करिएगा। आज धन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और जहां तक संभव सके आज स्वयं वाहन मत चलाइएगा, नहीं तो बेवजह चोट चपेट के शिकार होंगे। कन्या राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल रही है, किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन हो रहा है और धन का लाभ भी लगातार आपके साथ बना हुआ है। सलाह क्या है, देखिए यात्रा के लिए तैयार रहिए,
और करियर में लाभ के लिए अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसको कर लीजिए, उससे फायदा होगा आपको। आप उसको लेके दुविधाओं में मत रहिए, निकल लीजिए। आज मैसेज लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई मेल लिख रहे हैं, जरा सावधानी से लिखें, ऐसा ना हो कि आज कुछ गलत लिख दें जिससे आप मुश्किल में फंस जाएं। बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों की भी और आज के राम बाण उपाय की भी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें प्रश्न लिखा है प्रेरणा ने, मथुरा से लिख रही हैं। जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1982, जन्म का समय है सुबह 5:30, जन्म का स्थान है मथुरा। ये लिख रही हैं कि ये टीचिंग की नौकरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इन्हें टीचिंग की नौकरी कब मिल पाएगी? दूसरा, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी अड़चने हैं, वो कब दूर हो पाएंगी? दो बातें। पहली बात यह है कि जो इस कुंडली में कैरियर का स्वामी है, वही आपके विवाह को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। उसका नाम है बृहस्पति जुपिटर। बृहस्पति आपका कमजोर है और इसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है, इसी वजह से आपका करियर भी शुरू नहीं हो पा रहा, सेट नहीं हो पा रहा। तो अगर हम बृहस्पति को प्रबल करें तो ये दोनों ही मुश्किलें दूर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये करें कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। दूसरा, रोज सुबह 108 बार एक मंत्र जपेंगी। मंत्र होगा ओम ऐं गुरुवे नमः, ओम ऐं गुरुवे नमः। ये मंत्र आपको रोज सुबह 108 बार जप लेना है जल चढ़ाने के बाद। ये उपाय आप निरंतर लंबे समय तक करते जाइए, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जहां तक नौकरी मिलने का प्रश्न है, इसी वर्ष के अंतिम महीनों में नवंबर दिसंबर में आपको गवर्नमेंट जॉब या वैसी ही कोई नौकरी शिक्षा क्षेत्र में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करेंगे आज के राम बाण उपाय की भी, लेकिन फिलहाल बाकी बची हुई राशियों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है, आइए जान लेते हैं। तुला राशि, कोई बहुत बड़ी मुश्किल आपकी एकदम से हल हो जाएगी, धन की प्राप्ति भी आपको होगी और अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा से आपको फायदा भी होगा। सलाह क्या है आज की? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज कपड़े सलीके से पहनकर ही घर से निकलिए। आज कपड़े एकदम से कुछ भी पहन के मत निकलिए, जरा सिस्टमेटिक पहन के निकलिएगा। घर से निकलते समय कलेश करके, झगड़ा करके मत निकलिएगा और हल्की सुगंध लगाइएगा तो आपका दिन बेहतर होगा। आज घर से निकलते समय जितने प्रसन्न होकर निकलेंगे, दिन उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि, अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना है, सेहत का आपने ख्याल बनाए रखना है, थोड़ा सा आराम भी अगर आज करें तो अच्छा रहेगा, बेवजह थकान मत चढ़ाइए अपने ऊपर। सलाह क्या है? देखिए, अपनी महिला सहयोगी से सहायता लीजिए। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो जो महिला आपके साथ में काम करती है उससे बात करिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर देगी। आज बहुत ऑयली चीजें मत खाइएगा, तेल वाली चीजें मत खाइएगा, वरना पेट खराब हो जाएगा। और घर से जरा सी हली हरी इलायची खा के निकलिएगा, आपकी समस्याएं तमाम हल होती चली जाएगी। धनुराशि, अच्छे काम की प्रशंसा आपको मिलेगी, प्रेम के तमाम मामलों में सफलता के संकेत मिलेंगे, संपत्ति क्रय करने के सुंदर योग भी आज बने हुए हैं। सलाह क्या है? देखिए, एक तो पारिवारिक मामले जब बहुत उलझे हुए रहे ना, उनको छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ समय छोड़ दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी, उनको लेके तनाव मत पालिए और स्थितियों को स्वीकार करना सीखिए। कुछ धन का दान करिए, ऐसा करने से मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, मन को थोड़ी शांति मिल पाएगी। मकर राशि, कारोबार की तमाम समस्याएं दूर होंगी, किसी पुराने मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा, परिवार में खुशहाली भी अवश्य ही आ जाएगी। आज की सलाह क्या है? देखिए, आगे बढ़ के गलतियों को स्वीकार करिए, इससे आप बहुत सारी मुश्किलों से बहुत आराम से बच जाएंगे। आगे बढ़कर गलतियों को स्वीकार कर लीजिए। अपने घर के रसोई घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, क्योंकि रसोई घर को खराब रखने से आपके करियर में दिक्कतें आ रही हैं। और आज लौंग खाकर घर से निकलने से सफलताएं आपको मिलती जाएंगी। कुंभ राशि, कोई पुरस्कार या सम्मान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, तमाम समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन संतान के साथ आपको तालमेल बनाए रखना है। आज की सलाह क्या है? पूजा उपासना में थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दवा खाने के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें और घर के पौधों में पानी जरूर डालिएगा सुबह सुबह। ऐसा करने से भाग्य आपका बेहतर होगा, दिन आपका बहुत सुंदर होगा। मीन राशि, मन कहीं ना कहीं अशांत आज दिखाई दे रहा है,
रिश्तों को लेके, चीजों को लेके आप परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ये परेशानी सिर्फ शाम तक ही है। शाम के बाद तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। सलाह क्या है? देखिए, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से, अति विश्वास से बचाव करिए। दूसरा, पूरी नींद लीजिए, नींद में कटौती मत करिए, हरे फल का दान करिए। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। तो हमने ये जाना कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की कीमती सलाह क्या है जिससे आपका दिन अच्छा बना रहे। अब जान लेते हैं आज का रामबाण उपाय। रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और इसके बाद उनको लाल फूल समर्पित करें। गुड़हल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, लगातार 15 दिन तक ये उपाय आप करें। आप देखेंगे आपके क्रोध का स्तर कम हो गया है, आपकी जो खराब जबान है, जो बार बार आप इरिटेट हो जाते हैं, उन चीजों में गजब का सुधार हुआ है। और लंबा करना चाहें और लंबा करें, लेकिन लगातार 15 दिन करने से इसमें फायदा बहुत जल्दी होगा, बहुत ज्यादा होगा। कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का रामबाण उपाय भी जाना था। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आपका आने वाला वर्ष सफलताओं से लबालब भरा हुआ है। इस वर्ष में करियर और जीवन की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, करियर और जीवन की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। सेहत भी कुल मिला जुला कर आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन आपको धन के बर्बादी से बचना है, अहंकार नहीं करना है। जो भी सफलता आपको मिल रही है, याद रखिए ये ईश्वर की कृपा है, इसलिए अहंकार बिल्कुल नहीं करेंगे। सलाह क्या है? पूरे साल प्रातः काल भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उससे लाभ होगा। या तो एक तांबे का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लें, और नहीं तो तांबे का एक कड़ा पहने रखेंगे, तो पूरे वर्ष सूर्य की ताकत आपको मिलती रहेगी, सफलताओं के रास्ते पे चलते रहेंगे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ और अचूक अद्भुत रामबाण उपाय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।